subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति से एक बड़ी खबर आ रही है। जी हां, बात करें तो बाहुबली माफिया और पूर्व विधायक विजय मिश्रा को MP MLA कोर्ट से बड़ा झटका लग गया है। प्रयागराज की MP MLA कोर्ट ने माफिया विजय मिश्रा को 5 साल की सजा सुनाई है। प्रयागराज के फूलपुर थाने में दर्ज आर्म्स एक्ट के मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई है। माफिया विजय मिश्रा पर चुनावी जनसभा के दौरान सरकारी गनर के सशस्त्र से फायरिंग करने का आरोप है। बता दें कि बाहुबली माफिया विजय मिश्रा वर्तमान में आगरा जेल में बंद है। लेटर पैड पर फर्जी हस्ताक्षर मामले में सशर्त जमानत। इससे पहले बाहुबली व पूर्व विधायक विजय मिश्रा को ग्राम प्रधान के लेटर पैड पर फर्जी हस्ताक्षर मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है। कोर्ट ने थाना गोपीगंज संतरमी दासनगर भदोही में दर्ज आपराधिक मामले में व्यक्तिगत मुचलके और 2 प्रतिभूति को लेकर विजय मिश्रा को रिहा करने का आदेश दिया है। विजय मिश्रा 14 अगस्त 2020 से जेल में बंद है और यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट ने दिया है। 83 मुकदमों को झेल रहा है पूर्व विधायक विजय मिश्रा। बता दें कि भदोही पुलिस ने पूर्व विधायक विजय मिश्रा के खिलाफ हत्या, लूट, अपहरण, रेप, मारपीट, संपत्ति हड़पने, जालसाजी, रंगदारी सहित कई गंभीर अपराधों के कुल 83 केस दर्ज किए गए हैं। गैंगस्टर एक के आरोपी की करोड़ रुपए की संपत्ति भी जब्त की जा चुकी है। वाराणसी में महिला सिंगर के साथ गैंग रेप मामले में शिकायत मिलने के बाद पूर्व विधायक को 2020 में मध्य प्रदेश के आगर से गिरफ्तार कर भदोही लाया गया था। सुरक्षा कारणों से उसे आगरा के सेंट्रल जेल में रखा गया है। ऐसे हुई राजनीतिक सफर की शुरुआत। बता दें कि विजय मिश्रा ने राजनीति में 1980 के आसपास कदम रखा। शुरुआत में एक पेट्रोल पंप खोला। इसके बाद विजय मिश्रा के कई ट्रक चलने लगे। इस बीच विजय मिश्रा के परिचित पंडित कमलापति ने बाहुबली को चुनाव लड़ने को कहा। इसके बाद विजय मिश्रा 1990 में पहली बार ब्लॉक प्रमुख बन गया। उस दौरान विजय मिश्रा के संबंध राजीव गांधी से अच्छे हो गए थे। राजीव गांधी के जाने के बाद विजय मिश्रा का कांग्रेस से रिश्ता टूट गया था और वो कई दफा ज्ञानपुर विधानसभा सीट से विधायक भी रह चुका है, लेकिन आर्म्स एक्ट के मामले में उसको सजा हो गई है। तो बड़ी खबर थी उत्तर प्रदेश की राजनीति से। बाकी इस मामले को लेकर आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में।